देखिए, इंसान का चेहरा भले ही कितना खराब हो, लेकिन अगर उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल नहीं है तो खूबसूरत ही माना जाता है। यही दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इंसान का चेहरा कितना भी खूबसूरत हो, बट अगर यहाँ पे डार्क सर्कल है ना, तो उसका चेहरा फिर बेकार नहीं लगता है। ठीक है, डार्क सर्कल होने के कई कारण है एक्चुअली, बट स्पेशली आजकल जो देखा गया कि मेन रीजन क्या है डार्क सर्कल का, अगर हम 2023 में बात करें कि डार्क सर्कल का मेन रीजन क्या है, ये क्यों नहीं जा रहा है ट्रीटमेंट करने के बाद भी, या फिर हमने मेडिसिन लगाया, नेचुरल ट्रीटमेंट किया, फिर भी वो नहीं जाता है। तो अगर सबसे जो मेन कारण देखा गया है ना, आप सर्च कीजिएगा, जो मेन कारण देखा गया है वो है एक्चुअली सबसे ज्यादा एक्सेस मोबाइल का यूजेज, स्पेशली इन द नाइट टाइम एक्चुअली, या फिर जो लोग ज्यादा डिजिटल डिवाइस का प्रयोग कर रहे हैं, स्पेशली रातों को लाइट, घर के कमरे की लाइट बुझा दिया, बाद में रात भर से मोबाइल में लगे हुए हैं, उन लोगों को ज्यादा एक्चुअली डार्क सर्कल हो रहा है। ठीक है, और दूसरा चीज है भरपूर मात्रा में नींद में लेना, दिन भर लगे हैं काम में, रात को पता चला थोड़ा टाइम मिला, रात को भी चैटिंग में हो गए या फिर कुछ और काम करने लगे, रात को भी सोए नहीं तो रात भर जागे, दिन भर जागे, फिर उससे ज्यादा और ज्यादा डार्क सर्कल बढ़ गया। तो ये दो चीजें काम आने, एक है बहुत ज्यादा मोबाइल का प्रयोग करना या फिर कोई भी डिजिटल डिवाइस का प्रयोग करना, दूसरा है एक्चुअली भरपूर मात्रा में नींद न लेना। ठीक है, तनाव, थकान, खून की कमी या फिर बढ़ती उम्र, ये सभी रीजंस होते हैं आपके आंखों के नीचे डार्क सर्कल के। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ तीन ऐसे उपाय बताऊंगा जिन्हें अगर आप रोजाना अप्लाई करते हैं अपने लाइफ में, तो जो आपका डार्क सर्कल है, मैं ये नहीं बोलूंगा, कभी भी मैं ये नहीं बोलता हूँ कि एक दिन में डार्क सर्कल घटाइए, 7 दिन में डार्क सर्कल घटाइए। देखिए, कोई चीज आने में अगर समय लगा है तो जाने में भी समय लगता है। आप किसी भी ऐसी वीडियो को मत देखिए जिसपे लिखा हो कि डार्क सर्कल एक दिन में घटाएं, 24 घंटे में घटाएं, एक रात में घटाएं डार्क सर्कल। अरे, ऐसी कोई दवा आती है जो एक रात में आपका डार्क सर्कल घटाए न घटाए? ये सब फर्जी चीजें हैं। ठीक है, डार्क सर्कल जाने में कम से कम 1 हफ्ता टाइम लग जाता है मिनिमम, एक्चुअली अगर पूरी तरह से उसको भगाना है तो। नहीं तो क्या है दूसरा ऑप्शन, लोग मेकअप कर लेते हैं, पाउडर कुछ पोत पाट के बोलते हैं भैया डार्क सर्कल चला गया, नहीं जाता है ऐसा। ठीक है, आजकल वीडियो बनाने वाले भी लोगों को देखा गया है, पहले दिखाएंगे, देखिए इतना ज्यादा यहाँ पे काला है मेरा, ये देखिए मेरा नॉर्मल है, उतना काला नहीं है, ये नेचुरल है विदाउट फिल्टर। तो बहुत सारे लोग दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पे काला है मेरा, और दूसरी तरफ वीडियो में मेकअप करके बोल देंगे देखिए ये चला गया, तो ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं आज की वीडियो में नेचुरल ट्रीटमेंट क्या है, मतलब वो कौन से ऐसी दवाएं होती है, दवा तो नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं यहाँ पे दवा बताने के लिए हूँ नहीं, वो कौन से नेचुरल ट्रीटमेंट है जिन्हें करने से जो डार्क सर्कल आपका है वो सही हो जाता है। ठीक है, तो हेलो ऑल, मेरा नाम है राकेश कुमार सिंह और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट ऑप्टोमेटिस्ट हूँ। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आई केयर एक्सपर्ट। अगर अभी तक देखे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोस आती हैं हेल्थ रिलेटेड उसमें आपका फायदा रहे और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अगर हम बात करेंगे कि सबसे पहला चीज क्या है, तो सबसे पहला चीज अगर आप बादाम जानते हो, मूंगफली नहीं बोलेंगे उसका, बादाम ही बोलते हैं एक्चुअली, आलमंड बोलते हैं, आलमंड ऑयल, बादाम का तेल हर जगह मिल जाता है एक्चुअली। तो बादाम का तेल आपको करना क्या है, सिर्फ ये जो फिंगर है ना, फिंगर्स पे लेना है बादाम के तेल को, फिर यहाँ पे आपको हल्के हल्के ऐसे मसाज करना है एक्चुअली, यहाँ पे ऐसे ऐसे मसाज करना है 5-10 मिनट के लिए कम से कम मसाज कीजिए, उसके बाद आंखों को साफ पानी से धो लेना है। एक उपाय ये रहा। दूसरा उपाय क्या है, रात को ये जो तेल होता है ना, रात को ये ऐसे मसाज करके हल्के से आप रात को लगा करके सो जाइए, रात को धोना नहीं है, रात को जो बादाम का तेल होता है उसे आप यहाँ पे मसाज कीजिए, लगा लीजिए और रात भर ऐसे सो जाइए। रात को मोबाइल बिल्कुल नहीं चलाना है, सुबह में उठ के देखेंगे तो जो आपका डार्क सर्कल है कम हुआ रहेगा, नहीं होगा तो मेरे वीडियो पे ही कमेंट करके बोलना भाई मैंने किया है ना नहीं हुआ। ठीक, और उपाय नंबर दो, दूध हर जगह मिल जाता है कच्चा दूध, इसलिए कच्चे दूध को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें ताकि वो ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद दूध को एक्चुअली एक कटोरी में दूध को लेना है, उसमें जो रुई होता है ना, रुई का फाहा बना लीजिए, रुई का फाहा उसमें डुबाना है 2-3 बार डुबकी लगाने के बाद, फिर यहाँ पे आंखों के नीचे ऐसे हल्के हल्के लगाना है हमको रुई से, लगाने के बाद 20 मिनट के लिए उसको कम से कम छोड़ दीजिए। जब वो पूरी तरह से सूख जाए उसके बाद आपको क्या करना है, आंखों को साफ पानी से धो लेना है। ये सबसे कारगर उपाय होता है एक्चुअली, मतलब पहला तो बादाम वाला था ही, दूसरा उपाय ये नेचुरल है, दूध दूध हर जगह मिल जाता है। अगर कोई बात नहीं, अगर आप ठंडा नहीं कर पाते हैं तो नॉर्मल दूध ही सही, बट वो भी आप उपयोग में ला सकते हैं, उससे भी आपको जल्दी असर होता है और ये सेफ है, किसी तरह आंखों को कोई नुकसान इससे नहीं होता और साइड इफेक्ट भी इसका नहीं होता है। ठीक है, तो उपाय नंबर दो है कच्चा दूध का प्रयोग करना है। और जो उपाय नंबर तीन है उसमें एक्चुअली 1 चम्मच कच्चा दूध लेना है और उसमें आधा नींबू निचोड़ देना है, फिर दूध आपका फट जाएगा, फिर जो पानी दूध का बचता है उसमें आप शहद मिला लीजिए, और उन शहद और दूध को मिलाने के बाद एक में एक्चुअली आपको अपने आई के नीचे हल्के हल्के एक्चुअली मसाज करना है।
ठीक है, मसाज करने के 10 से 15 मिनट के बाद उसको एक्चुअली धो लेना होता है, दोनों आँखों पे लगाने के बाद एक्चुअली। ठीक है, तो आज के वीडियो में देखिए इतना ही था, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको ये सभी फॉलो करना है, और मिनिमम जो मैंने 3 तरीके बताए हैं वो तभी कारगर होंगे जब आप अपना जो मोबाइल फ़ोन है उसे चलाना बंद कर देंगे बिल्कुल भी, स्पेशली जब रात को आप बेड पे सोने जाते हैं तब। और अच्छे से खाना खाइए, मतलब जो डाइट है आपकी हेल्दी डाइट होनी चाहिए, मॉर्निंग घूमने चाहिए, एक्सरसाइज अगर नहीं करते हैं तो एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए, ताकि एक पूरी तरह से जो हेल्दी लाइफ स्टाइल होता है ना उसे आपको फॉलो करना है। और मिनिमम 7 से 8 घंटे तक सोना है, तब जा कर के फ़ायदा होगा। अगर आप ये सभी फॉलो नहीं करेंगे, सोचेंगे खाली मोबाइल चलाना बंद कर देंगे और मेरा डार्क सर्कल चला जाए तो बिल्कुल सही नहीं होगा, बता दे रहे हैं। ठीक है, आप सिर्फ 1 वीक तक फॉलो कीजिए जो मैंने बताया है, 1 वीक के बाद अगर आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, 1% भी फ़ायदा नहीं हुआ, तब आप मेरे वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं। बट आपको लग रहा है ना कि नहीं 5-10% फ़ायदा हुआ है और धीरे धीरे जो मेरा डार्क सर्कल था वो कम होना शुरू हो गया है, तो थैंक यू सो मच आपको ये वीडियो देखने के लिए। ओके, और ये वीडियो उन लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जिन्हें डार्क सर्कल है और फर्जी ट्रीटमेंट के चक्कर में पड़ के अपनी आँखों को ख़राब कर लेते हैं, अपनी सेहत को भी ख़राब कर लेते हैं एक्चुअली। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय, मिलेंगे जल्द ही आपको साथ नई वीडियो में। ठीक है।